आज हम लोग देखेंगे सॉफ्ट एंड फ्लफी ब्रेड की रेसिपी, जो कि मार्केट से भी बहुत बढ़िया बनेगी और विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स और एमल्सिफायर्स और कोई कलर्स नहीं इसमें, कुछ भी नहीं। आप आसानी से इसे घर पे बना सकते हैं। वो है आटे की ब्रेड। हेलो गाइस, वेलकम टू केतकी कुकिंग। तो चलो अभी फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप आटा, बस जो गेहूं का आटा है जिसको हम लोग रोटी बनाते हैं, बस वही आटा है। और हमें इसे अच्छी तरह से छान लेना है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम लोग आटे की ब्रेड बनाते हैं। देखिए इसमें जो ये बचा हुआ ये पाउडर है, इसे हमें निकाल लेना है। अब इसमें डाल देंगे हम लोग 2 बड़े चम्मच चीनी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, चीनी डालनी ही है हमें। ओके, अब इसमें डाल देंगे हम लोग 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। विदाउट मिल्क पाउडर आटे की ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए ये कंपल्सरी डालना ही है। और 1/2 टीस्पून नमक। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उन सभी का वेलकम, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन हिट कर लीजिए। और इसमें डालेंगे 2 टीस्पून ईस्ट या खमीर, इसे भी मिक्स कर देंगे। हमें 1 कप आटे के लिए 1 टीस्पून ईस्ट चाहिए होता है, वो मैदे की ब्रेड हो या आटे की, सो ये ध्यान में रखना है। अभी हम लोग इसे मिला लेंगे, एक अच्छा सा सॉफ्ट डो गूंदना है हमें। अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो हाथ से भी इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 5 से 10 मिनट, नहीं तो अगर आपके पास ऐसा ब्लेंडर है तो उसे आप मिक्स कर सकते हैं। इसमें मैंने 250 ml दूध डाल दिया है। देखिए अब जैसे जैसे आटा जुड़ता जाएगा उसमें धीरे धीरे करके हमें दूध डालना है। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा और डालती जाइए। मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। आप इसे थोड़ा सा हाथ से गूंद सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच बटर। अभी हमें इसमें बटर ही डालना है। बटर से कलर और जो टेक्सचर होता है वो परफेक्ट आता है बाहर जैसा। इसमें हम लोग तेल नहीं डालेंगे अभी। अभी इसे भी अच्छे तरह से गूंद लेना है। ये 3 to 4 मिनट्स में गूंदते गूंदते देखिए ऐसा सॉफ्ट डो बनते जाएगा, एक राउंड बॉल बने जाएगा। देखिए इतना सॉफ्ट रखना है हमें। देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए डो। आप इसी बोल में रख सकते हैं इसे साइड में तेल लगा के। मैं बस दूसरे बोल में इसे ट्रांसफर कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। एक बोल में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और उसमें ये डो डाल देंगे हम लोग। और इसे हमें कवर करके ही रखना है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब हम लोग प्रूफिंग के लिए रखते हैं कोई भी ब्रेड हो, उसे हमें हमेशा वार्म प्लेस पे ढककर ही रखना है। अगर इसे हवा लगेगी तो ये प्रूफ नहीं होगा, ये डबल इन साइज नहीं होगा और आपकी ब्रेड डेंस बनेगी। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप है तो इससे आप कवर कर सकते हैं, नहीं तो प्लेट से भी ढक के रख सकते हैं। बस ये वार्म प्लेस पे होना चाहिए। देखिए ये 1 घंटे के बाद ये डबल हो गया है। अब आप इसे ये क्लिंग रैप अच्छे से रख दीजिए। और देखिए इसमें कोई ऐसे एयर पॉकेट्स नहीं होना चाहिए, उसके पहले हमें इसको डीफ्लेट कर देना है। देखिए बस इसे 2-3 मिनट के लिए हम लोग नीड कर लेंगे। अभी एक सरफेस पे या आपको आपके पास अगर कोई परात है तो परात पे थोड़ा सा आटा डाल देंगे और उस पर हम लोग रोल कर देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक का बटन हिट कर लीजिए। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं आप वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं मुझे। और जितना हमारा टिन का साइज होता है उतना ही हमें उसे बेलना है, और एक ही डायरेक्शन में इसे बेलना है। बस हमें इसमें की हवा निकालनी है। तो इसे रोटी की जैसा नहीं बेलना है हमें, आप ये हाथ से भी कर सकते हैं। देखिए जितना टिन का साइज है बस उतना ही। अब इसे रोल कर देंगे। जो एक्स्ट्रा फ्लावर लगा है, जो एक्स्ट्रा आटा लगा है वो हम लोग निकाल देंगे, और इसे हमें अच्छे से टक करना है अंदर की साइड में, पिंच करना है। देखिए अच्छे से रोल, टाइट रोल गूंदना है हमें, नहीं तो हमारी ब्रेड जब हम लोग स्लाइस करेंगे तो वो फटी फटी निकलेगी।
और बड़े बड़े एयर पॉकेट्स हो जाएंगे उसमें। ये जो हमारा एंडिंग का पार्ट है उसे हम लोग ऐसे थोड़ा सा हाथ से पतला कर देंगे और रोल कर देंगे, एक टाइट डो बना के टाइट लॉक बना देंगे हम लोग ब्रेड का, और ये ग्रीस टीन में डाल देंगे। ग्रीस को थोड़ा सा तेल लगा लीजिए बस। अब इसे कोई दबाना नहीं है या उसे कोई फैलाना नहीं है, ये अपने आप टिन का शेप ले लेगा बस। इसमें अभी हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसे हमें ऊपर से तेल लगा देना है, थोड़ा तेल बटर घी कुछ भी लगाना है वो लगा सकते हैं, और जो पहले का प्लास्टिक रैप था वो उस पर ढक के रख दीजिए। ये क्या होगा, तेल लगाने से जब ये फूल के ऊपर आएगा तो ये प्लास्टिक रैप को चिपकेगा नहीं। अब देखिए एक घंटे बाद इसे गर्म प्लेस पे रखा था मैंने, और ये 40 मिनट्स ले लिया है इसने। इसमें हम लोग अभी लगा देंगे दूध और बटर का मिक्सचर। इसे ऊपर से अच्छा ब्राउन सा टेक्सचर आता है, ब्राउन सा कलर आता है जो बाहर की ब्रेड्स पे होता है। अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ओट्स, ये नॉर्मल ओट्स है, आप जो चाहे उसमें डाल सकते हैं, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, तेल, जो भी आप डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं। अब इसे हम लोग बेक कर लेंगे 25-27 मिनट्स, या जब तक ये ऊपर से अच्छा सा ब्राउन गोल्डन नहीं हो जाएगा। हमें 180 डिग्री पे ही इसे बेक करना है। अब बस 5 मिनट्स बाद इसके साइड से नाइफ चला लेंगे हम लोग। बस इसमें ये जैसे ही बेक होता है इसे हमें मोल्ड से डीमोल्ड कर देना है, ये टिन से बाहर निकाल देना है हमें ब्रेड को। देखिए आसानी से निकल आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसे। और बस अभी इसे पूरा ठंडा होने देना है हमें, और पूरा ठंडा होने के बाद ही काटना है प्लीज। अगर आप गर्मा गर्म काटेंगे तो वो बिल्कुल भी टेक्सचर नहीं आएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, बिल्कुल भी अच्छी टेस्ट नहीं आएगी। इसलिए ये बहुत बड़ा स्टेप है कि जब तक वो ब्रेड पूरा ठंडा नहीं होता है तब तक हमें इसे नहीं काटना है। और ये सारी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है विद द मेजरमेंट्स, आप सेम मेजरमेंट्स के साथ ही ब्रेड बनाएं, कुछ भी इसमें कम ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी ब्रेड वैसी फ्लफी और वैसी बाहर जैसी नहीं बनेगी। अगर ये नहीं है कुछ भी इंग्रेडिएंट, इसको हम लोग किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके स्क्रीन पे ये सब्सक्राइब का बटन हिट कर लीजिए, और ये मेरे बाकी के वीडियोस इसे भी आप चेक कर सकते हैं। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंट्रेस्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।